हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम राइड करने वाले हैं मॉडिफाइड एक्टिवा। तो दिस इज फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। स्कूटी से ही हमने स्टार्ट किया था और आज स्कूटी के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं हम। अभी हम रुक चुके हैं एक खाली सी लोकेशन पर और मेरे पीछे खड़ी है ये मॉडिफाइड एक्टिवा। और अभी मैं आपको इसका पूरा मॉडिफिकेशन बताने वाला हूँ, क्या क्या इसमें मॉडिफाई किया गया है। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। हेडलाइट देख सकते हो भाई, ऑन करियो। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करा गया है, बस इसमें ब्लैक कलर की टेप लगाई गई है इधर, एंड यहाँ पर नियॉन कलर की जो ट्रांसपेरेंट वाली आती है वो लगाई गई है। और नीचे आपकी मेन हेडलाइट है ही। भाई इसकी DRL ऑन करके बता। ये देखो ब्लू कलर के DRL। ये DRL मैंने अमेजोन से परचेज करी। हाँ, अमेजोन से मैंने ली। और इसको इंडिकेटर का जो बॉक्स है अपना होता है, इसको हॉट गन से हटा के DRL अंदर फिट करी। फिर इसमें LP से इसको सेट कर पूरा। इसका स्विच ऑन ऑफ का यहाँ पे इस साइड ये स्विच लग रहा है इसका। ओके, यहाँ पे स्विच है, ऑन ऑफ का स्विच है। इससे हमारी आगे की फ्रंट DRL ऑन होती है। ओके, और इसके अलावा इंडिकेटर। इंडिकेटर मैंने इसमें सिंटेक्स के लगा रखे हैं ओरिजिनल। ये राइट लेफ्ट जलते हैं, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। और इसमें फिर हमने 1000 फ्लैशर लगा रखा है सिंटेक्स कंपनी का। ओके, जला के दिखाओ। उसको हम जला के दिखा देते हैं आपको। इसमें 32 पैटर्न है। चलो साथ में पीछे की लाइट भी कवर कर लेते हैं, इंडिकेटर जलाई दिए हैं तो पीछे से कुछ इस तरह के लगते हैं ये। और इसके अलावा नीचे भी लगा रखे हैं ना, नीचे भी इसमें मैंने विंग लाइट लगा रखी है। इनकी रोशनी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी आएगी इसमें। हाँ, अभी दिन की वजह से इतना दिख नहीं रहा, बाकी आप देख लो एक बार। तो ये ड्यूल इंडिकेटर्स हो गए एक तरह से, बाकी पार्किंग के लिए यूज़ होते हैं और हाईवे पे क्रूजिंग के लिए। नीचे इसमें वाइट DRL लग रही है। ओके, ये नंबर प्लेट के लिए है, फिर नीचे रोड पे पड़ती होगी लाइट, अच्छा लगता होगा नाइट में। नंबर प्लेट इससे हमारी ग्लोसी हो जाती है थोड़ी सी। तो एक बार नाइट में दिखाना पड़ेगा मतलब इसका लुक। इसके अलावा पूरी स्मोक कराई हुई है, पूरी स्कूटी रैप है ना, पूरी स्कूटी रैप है ब्लैक ग्लोसी में। इसका ये मॉडल है 2020 लिमिटेड एडिशन, जो अपना सिल्वर ब्लैक में आया था लिमिटेड एडिशन एक्टिवा का, ये वो मॉडल है। ये 5G है, ये लिमिटेड एडिशन 5G है 2020 मॉडल। तो इसमें मैंने पूरी स्कूटी पे ब्लैक ग्लोसी रैप करा रखी है। आप देख सकते हैं क्या शाइनिंग कर रही है ये। और हम इस पे रबिंग यूज करते हैं चमक के लिए, जो इससे हमारी गाड़ी की जो शाइन है काफी चमक रही है, आप देख सकते हो। और ये अलग ही दिख रहा है भाई, इसका पता कुछ। ये अमेजोन से मैंने परचेज करी है, इसको बोलते हैं हम ग्राफिटी। ओके, ये कार्टून बिल्ली हो जो अपने जो एनिमेशन छोटे छोटे कार्टून आते हैं उनको मिक्स करके ग्राफिटी बनाई जाती है, ये उसकी ग्राफिटी है। काफी सही लग रहा है ये वाला रैप भी। ये मुझे लगाए हुए 1.5 साल हो गए है, बाकी रेप जैसे फिट हुई है वैसे ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है ये। और ये एक डॉग लवर की ये निशानी। डॉग लवर ऐसा है कि मेरे पास जर्मन शेफर्ड है तो लगा दिया। लगाना बनता है फिर तो। और ये मैट काफी अच्छा लगा मुझे, रेड बॉर्डर में। कंपनी से ये, कंपनी से ही है, स्टॉक है, कंपनी से आया था। ये सिर्फ दो ही मॉडल में आया था, एक ब्लैक इसमें लिमिटेड एडिशन में व्हाइट कलर में, एक लिमिटेड एडिशन उसमें सिल्वर में। तो सिर्फ ये दो में पा देना, नहीं तो सब में ब्लैक आता है। ओके, और इसके अलावा आप आ जाते हैं इस पे लीवर गार्ड्स पे। ये अमेजोन से मैंने परचेज करे थे लीवर गार्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट ये इजीली नहीं लगते, डायरेक्ट फिट नहीं है। अब वो बता कैसे लगाएं। इसको मैंने कस्टम कराया मार्केट से। इसमें मैंने हैंडल में 1.5 इंची पाइप होता है जो अपना, उसको बेल्ट करा के इसको बाहर तक एक्स्ट्रा वो कराया है। इसमें 10 नंबर की डिबरी बेल्ट कराई है, उसके अंदर हमने ये एलंकी से कस दिया है। इससे अपने ब्रेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो अगर आप नॉर्मल यहाँ पे लगवाओगे इसको तो आपके ब्रेक में ये प्रॉब्लम करेगा, या तो इसको आपको अप करना पड़ेगा या इसको आपको डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा निकलवा रखा है, जिससे हमारे ब्रेकिंग पे हमें कोई इश्यूज नहीं होता। बहुत लोगों ने पूछा था ये चीज भी। और हैंड ग्रिप भी मुझे अलग से दिख रही है। हैंड ग्रिप भी हमने अमेजोन से परचेज करी है, वैलेंटिनो रोसी की 46 की ओरिजिनल है, अच्छी लग रही है। पास से देख लो आप इसकी। और आगे ये जो कस्टम रैप है भाई, इसके बारे में बता कुछ। ये भी
रैप कराई हुई है। ये रैप नहीं है वैसे ना, स्टिकर्स हैं अलग अलग। ये अलग अलग स्टिकर्स हैं, आप देख सकते हो। हाँ। ये एक पीस है जो ये ऐसे हमने 50 पीस निकलवा के और उनको ऐसे अपने हिसाब से टेढ़े टेढ़े बाकी टेढ़े बाकी लगवाए हैं। बाकी ये रैप ब्लैक है, इसके नीचे जो है काफी मेहनत करी है, मतलब टोटल मिला के इस स्कूटी पर। और नंबर प्लेट भी 3D वाली है, 3D टैक्स देख सकते हो आप। एंड इसके अलावा मडगार्ड पे आपकी नजर जा रही होगी, ये विंगलेट R15 का है ऊपर। ये विंगलेट R15 का, ये कस्टम मडगार्ड है, ये खुद बनाया हुआ है, होममेड। हाँ मैंने, तो ये मडगार्ड से काफी सही लुक आ रही है इसकी आगे से, और टायर भी दिख रहा है इसका। और टायर इसका स्टॉक एक्टिव वाला नहीं है, कौन सा वाला भाई? ये इंटोर 125 का टायर है, क्योंकि जो इसका स्टॉक टायर है तो उसमें इतनी अच्छी ग्रिपिंग नहीं होती, आप लीन मारने में दिक्कत आती है, तो इसमें 125 का टायर डलवाए। ये 9000-110 है, किसी भाई को भी अगर लगवाना हो तो 9000-10 लगवाए आगे की तरफ। ओके, और यहाँ पर भी रैप वो वाली ग्राफिटी, और यहाँ पे ऑरेंज कलर की, एंड ये काफी अच्छी लगी लाइन मेरे को, रिम वाली नियॉन में। और इसके अलावा ये नाइट में ग्लो होती है, राइट? ये नाइट में ग्लो होती है, इस पर आप लाइट मारोगे तो ये चमकेगी। फिर मैंने ये कस्टम थोड़े से स्टिकर लगवा रखे हैं, हेटर्स के हो गए। ओके, ये मैंने स्कैन बार कोड बनवा रखे हैं इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट के। हाँ। फिर ये हमारा एक छोटा सा स्टिकर है नेक्स्ट लेवल का, ये हमने कार्बन फाइबर करा रखा है इस पे, 5D वाला नीचे पूरा। हाँ, ये पूरा कार्बन फाइबर है दोनों पीस पे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट लेवल का स्टिकर लगा रखा है, और ये भी कार्बन फाइबर करा हुआ है, कार्बन फाइबर करा हुआ है। और नियोन स्ट्रिप पीछे वाली रिम पर, हाँ ये भी नियोन स्ट्रिप है। हाँ इसमें, और इसके यहाँ भी कार्बन फाइबर हुआ है, ये भी कार्बन फाइबर हुआ हुआ है पीछे से, मतलब हर एक पार्ट पे काम करा गया अच्छे से, डिटेल्ड वर्क। और ये पावर बाय हेटर्स, ओके, और नाइस स्टिकर। और अपन इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी ग्राफिटी का काम कराया गया, एयर फिल्टर के ऊपर, एयर फिल्टर पे भी। और यहाँ भी नेक्स्ट लेवल का स्टिकर और कार्बन फाइबर, राइट? यस। तो ओवरऑल काफी अच्छी लग रही है स्कूटी को, तो भाई कुछ रह गया इसमें बताने के लिए? थोड़ा बहुत रह चुका है, डिक्की भी दिखा देते हैं इसी बात पे फिर। हाँ, डिक्की खोल के दिखा दो, डिक्की वहीं से खुल जाती है ना, डिक्की आगे से खुलती है, तो डिक्की के अंदर भी स्टिकर्स लगाए हुए हैं, छोटे मोटे स्टिकर लगा रखे हैं। ओके, यहाँ पर ये CPU का स्टिकर, ये babecoop.com से स्टिकर आया था, CPU तो हमने यहाँ लगा दिया। नाइस। और 46 का स्टिकर, एंड ये माउंटेन्स वाले, यस, एंड हुनिगन का स्टिकर इधर, बस ज्यादा स्टिकरिंग भी नहीं है, मतलब अंदर है लेकिन अच्छा लगा। थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवाओगे आप तो कोई आपकी डिक्की देखेगा पीछे से, लगनी चाहिए कि अंदर भी कुछ स्टिकर करा रखे हैं गाड़ी में, अच्छा आइडिया है। बाकी हम इसकी आपको टॉप स्पीड भी दिखाएंगे, इसकी टॉप स्पीड वैसे मिनिमम हम देखी जाए तो एक्टिवा की 85 होती है। हाँ। बट इसमें हमने एक्सेस 125 की फैन बेल्ट डाल रखी है जिससे इसकी टॉप स्पीड 90 चली गई है। 90 जा गई है, 90 जाती है आराम से। तो अभी मैंने ट्राई करी थी 80-82 गई थी, वो तो विंड वगैरह की वजह से। कोई नहीं, हम इसका आपको लाइव टेस्ट दिखाएंगे बिल्कुल स्पीड का भी। और यहाँ पे भी थोड़े बहुत स्टिकर और रखे हैं, मनी लिखा हुआ है, और ये भी डार्क टिंट में विनाइल लगाई हुई है, स्मोक करा रखी है इसमें हमने, यहाँ पे भी कार्बन फाइबर है, और इसमें हमने व्हाइट DR लगा रखी है अंदर मीटर में भी। ओके, नाइस। और ये FZ का वाइजर, हाँ इस पे हमने FZ का वाइजर लगा रखा है, और इस पे पूरी कार्बन फाइबर रैप कराई हुई है, कार्बन फाइबर है पूरा, और हमने इसमें रूट्स के ओरंग लगा रखे हैं हॉर्न, ओके, विद रिले के साथ, तो उसका साउंड हम आपको सुना देते हैं। इसके साथ बड़ी बैटरी भी डलाई रखी है ना, इसमें हमने इतनी सारी लाइट्स डलवा रखी तुमने, इसमें कंपनी से 4L बैटरी आती है, तो हमने इसमें 5L बैटरी डलवा रखी है जिससे हमारी इंडिकेटर, फ्लैशर, हॉर्न, DRL जो भी अपने छोटे छोटे लाइट्स हैं। हाँ। तो इसमें बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ता है लाइट पे किसी पे भी। उसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि चार्जर खराब हो जाएगा। यस, उसका डिसएडवांटेज उसमें वोल्ट ज्यादा रहती है, तो उससे आपका जो नॉर्मल स्टॉक का चार्जर होता है वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, तो अगर कोई कराए तो ये चीज ध्यान रखना, पावर ज्यादा आती है उसमें। बस बाकी पूरी स्कूटी आपके सामने है, देख सकते हो, चेकआउट कर लो, इधर भी एक स्टिकर है, एंड बाकी ये 5G है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे थे कंपनी ने, बट इसमें वो टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन नहीं दिए, वो 6G में आ गए हैं, उस पर भी कुछ काम चल रहा है, अगर हाँ आ सकती है आगे वीडियो। और ये कार्बोरेटर वाली है ना, अब F5 वाली आ रही है एक्टिवा, बट इसमें ज्यादा पावर है, इसमें ज्यादा पावर है, तो लाइक तो कर ही देना, इतना मॉडिफिकेशन किया गया है इस स्कूटी पे, इतनी मेहनत की गई है, और काफी अच्छी लग रही है वैसे ये, सो हैट्स ऑफ टू मनी। तो इस वीडियो करते हैं एंड, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
brows with their nails done now.